का नाम जितना ले उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भगवान का नहीं, जैसा मैंने कहा नाम भी लेना है और अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि यही कर्म बाकी कोई चीजें साथ नहीं जाती, अच्छे कर्म साथ जाते हैं। एक बात बताइए, हम कहीं भी अगर बाहर घूमने जाते हैं या कहीं शहर जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, तो कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं, बड़ी तैयारियां करते हैं, टिकट बनाते हैं, फिर चीज़ें खरीदते हैं। अगर खुद घूमने जा रहे हैं तब तो अपने लिए खरीदते हैं कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो खुद के लिए भी, उसके लिए भी, फिर जब जाना हो तब तैयारियां की जाती है, पैकिंग की जाती है, खाने का सामान रखा जाता है, पानी की बोतलें रखी जाती है। और ये घूमने कितने दिन के लिए जा रहे होते, 4 से 5 दिन, है ना, कितनी तैयारी 4 से 5 दिन के लिए। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है, ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है, वहां पे ये ट्रेन की टिकटें फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है, अच्छे कर्मों की टिकट काम आती है। ऊपर जाएंगे भगवान कहेंगे अच्छे कर्म किए हैं, बोले हाँ, बोले जाओ स्वर्ग, नहीं किए जाओ नरक। कहते ना, कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब अंत समय आएगा तब पूरी जायदाद भी देकर ये कहोगे कि 1 सेकंड दे दो ज्यादा, 1 सेकंड उतना भी नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो कैसा काम कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी जब 1 सेकंड इतना सा समय चाहिए, तो वो तो जो समय है, कहते ना समय ज्यादा नहीं है, ऊपर से लिखा के लाए हैं कितने समय तक रहना है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं, तो बुलावा आने से पहले इतने अच्छे कर्म कर लो कि अंत में ये ना रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और उनमें से एक है भगवान का नाम जप, जितना हो सके उतना करो, जब जब हो सके तब तब करो।